भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से जुड़ी चिकित्सा पद्धतियों को प्रश्रय मिला है। भारत में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली बेहद लोकप्रिय है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी दिल्ली को होम्योपैथी चिकित्सा का सबसे बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। दिल्ली के नरेला में 10 एकड़ भूखंड पर 290 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान तैयार हुआ है। इसमें न केवल लोगों को इलाज की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ये इंस्टीट्यूट होम्योपैथी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नए नए रिसर्च पर काम करेगा। ये संस्थान होम्योपैथी सिस्टम की कई शाखाओं में युवाओं को स्नातकोत्तर और पीएचडी कोर्सेज कराने की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें 7 पोस्ट ग्रेजुएट विभाग होंगे, स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, छात्रावास, स्टाफ और फैकल्टी के लिए क्वार्टर एवं कैंटीन की सुविधाएं शामिल हैं। 100 बेड की सुविधा वाले इस संस्थान में मरीजों को सभी प्रकार के इलाज एवं जांच की सुविधा मिलेगी। यहां ओपीडी रजिस्ट्रेशन से लेकर जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, ओबीएस एंड गायनी, पीडियाट्रिक, डेंटल, ईएनटी, लेबर वार्ड, आईसीयू सहित कई विभागों में ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों आज राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन होना हम सब के लिए गौरव का क्षण है।